डियर स्टेंड्स सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेनर डायोड शंट रेगुलेटर ओके okay. एंड uh, ये टॉपिक दिस टॉपिक्स कम्स अंडर इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो की एके टू फर्स्ट ईयर का सिलेबस है एंड माय नेम इज हरी मोहन राय और मैं ये टॉपिक आप लोगों को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस टॉपिक के अंडर में जिन डाउट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की थ्योरी और प्लस इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि रेगुलरली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे पूछा जाता है या आया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले इसके बारे में तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि जेनर डाउट एज ए वोट रेगुलेटर की रेगुलेटर होता क्या व्हाट इज रेगुलेटर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोल्टेज रेगुलेटर को हमने डिफाइन किया है कि वोल्टेज रेगुलेटर इज ए डिवाइस दैट रेगुलेट्स द वोल्टेज लवर एट द आउटपुट साइड रेगुलेट्स का मतलब क्या होता है ये करता है कांस्टेंट करता है या मैं... You, you can say that. अगर आपको समझने के पॉइंट से समझना है तो स्टेबलाइजर या वोल्टेज को स्टेबल या कांस्टेंट या फिक्स आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो कहलाता है वोल्टेज रेगुलेटर ओके यानी कि आउटपुट साइड में वोल्टेज लेवल को एक फिक्स लेवल वोल्टेज प्रोवाइड करता है उसको वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं अब इसका जनरल वोल्टेज रेगुलेटर का एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है वो सर्किट डायग्राम क्या है कि एक हमारी इनपुट सप्लाई होती है जो हम इनपुट देते करते हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अलग से ये इस, इसी सर्किट को जो अः यहाँ पे ड्रॉ की हुई है अगर थोड़ा सा है तो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जो कि आप लोग भी बेसिक से देख सकते हो कि एक यहाँ पे इनपुट होगा वी इनपुट जिसको हम लोग देते हैं वी एन या वी आई एंड देन इसके साथ सीरीज में जो वोल्टेज यहाँ से चलेगा वो एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा जिसके अक्रॉस वोल्टेज वीएस ड्रॉप होगा ऑफ कोर्स जहाँ रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पे एक लगेगा जेनर डायोड रिवर्स बायास में जेनर डायोड को हम लगाएंगे रिवर्स बायास में

एक जेनर डायोड जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज विजेट होता है एक लोड रजिस्टर जिसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वीएल होता है ओके यानी कि वोल्टेज सर्किट इंक्लूड्स इनपुट वोल्टेज सप्लाई टू रजिस्टर यानी कि सीरीज एंड लोड ए डायोड कनेक्टेड इन द अरेजमेंट आइज सोन इन द फिगर बेसिक ये है तो इसको समझने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले सबसे पहले समझे कि जेनर डायोड का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होता है जेनर डायोड जेनर डायोड एक डिवाइस होती है जो रिवर्स बायस में काम करने के लिए बनाई जाती है इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा इस इस जेनर डायोड को बनाने के लिए जो डोपिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है काफी हाई होती है और इसकी वजह से

ये वैल्यू करीब करीब जीरो होती है और इसका मैक्सिमम करंट जो होता है वो ये हो सकता है जो कि गिवन रहता है यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में फ्लो होती है यानी कि मिनिमम जीरो क्यों होता है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली माइक्रो एम्पियर में फ्लो होती है और करीब करीब जीरो होता है और ये वोल्टेज लेवल यानी कि ये रिवर्स वॉयस वोल्टेज होता है जो एक लेवल पे यानी कि जहां ब्रेक डाउन होता है वहां के बाद ये कॉन्स्टेंट हो जाता है यानी कि सिंपल वर्ड में

एग्जाम्पल के लिए एक वाटर टैंक है जो काफी ऊंचाई पर रखा हुआ है और इस वाटर टैंक के पैरल एक सॉरी ये, ये रखी हमने और यहाँ फीट की हाइट पे मीटर की हाइट पे हम आउटपुट ले रहे हैं यानी कि ओपन है तो जितना भी इसका वाटर है अगर मैं इसको नहीं ये खुला छोड़ दू तो इस 10 मीटर की हाइट पे मुझे वाटर मिलेगा पानी का लेवल यानी कि 10 मीटर मिलेगा क्योंकि यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा लेकिन मुझे अगर इसके वाटर लेवल को फिक्स फाइव मीटर पे करना है तो मैं क्या करूंगा इसके पैरेलल एक एक और पाइप कनेक्ट कर दूंगा जिसकी हाइट कितनी होगी फाइव मीटर की होगी जैसे ही फाइव फीटर या फाइव मीटर की होगी तब इसके यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो जो आउटपुट लेवल हमेशा कितना मिलेगा फाइव मिलेगा लेकिन इसके लिए शर्त क्या है शर्त यह है कि जो वाटर का लेवल है वो कम से कम इसके थ्रू बाहर निकलना चाहिए अगर वाटर का लेवल इससे कम है यानी कि इस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है तो आउटपुट आपको फाइव वोल्ट नहीं मिलेगा वही चीज यहां पे भी है कि यानी कि जेनर डाउट को वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि ब्रेक जेनर का ब्रेक डाउन रिवर्स बैस में जो आपने जेनर ब्रेकडाउन लगाया है उसका ब्रेक डाउन होना कंपलसरी है अगर ब्रेकडाउन होगा तभी आपको यहाँ पे कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा यानी कि आउटपुट की वैल्यू जो ब्रेक डाउन होगी उसके बराबर मिलेगी और अगर नहीं होगा तो आउटपुट आपको इसके बराबर नहीं मिलेगी कितना मिलेगा जो भी आपने इनपुट दिया है वो विजिट से ज्यादा होना चाहिए ड्रॉप होने के बाद मान लीजिए दस वोल्ट है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो पांच वोल्ट या तीन वोल्ट का हो रहा है और विजिट की तो टोटल वोल्ट यहाँ पे कितना मिलेगा टेन में से तीन गया सेवन वोल्ट तो यहाँ पे अगर सेवन वोल्ट मिलेगा जबकि ब्रेक डाउन वोल्टेज पांच वोल्ट ही है तो भी आपको आउटपुट कितना मिलेगा फाइव वोल्ट के ही बराबर मिलेगा लेकिन अगर यहाँ पे आपने सिक्स वोल्ट ड्रॉप कर दिया यानी कि पे वोल्टेज अगर फोर वोल्ट आ रहा है यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज सिक्स टेन माइनस सिक्स यानी कि फोर वोल्ट तो आपको आउटपुट जो है वो कितना मिलेगा फोर वोल्ट ही मिलेगा बिकॉज अब ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो आउटपुट कॉन्स्टेंट आउटपुट ब्रेकडाउन यानी कि पांच वोल्ट के बराबर नहीं मिलेगा

यानि कि इसमें एक उसका क्या परपस है करंट को लिमिट करने के लिए और उसके is, uh, uh, resistor, कि लोड, के में जो रोडि लगा हुआ होता है उसके अक्रॉस हम लोग स्टेबिलाई आउटपुट को लेते हैं द सर्किट वॉक एज अ वोल्टेज रेगुलेटर

ये इनपुट है यहां पे आपका voltage हो रहा है 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 के के बराबर और इसके across voltage जो, है, डायोड के across जो voltage है, वो वीजेड के बराबर है ये वी जेड जो कि आउटपुट वी एल के बराबर तो अब इसमें अगर आप के वी एल देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा वी इन इज टू वी एस प्लस वी एल के बराबर यानी कि मैं लगा दो वी इन माइनस वी एस इस तरीके से वी इन माइनस वी एस माइनस वीजेडीड तो यानी कि एक केविल बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बार बार यूज होगा इनपुट वोल्टेज जो है वो ये दो ड्रॉप वोल्टेज के क्रॉस यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है और वीजेड या यहाँ पे वी एल जो दोनों पैरेलल में है उसके बराबर होगा नाउ

इसके क्रॉस करंट आईजेड फ्लो होती है और यहां सर्किट में जो बाहर की तरफ सर्किट जा रहा है उसमें करंट जो है वो आई एल यानी कि लोड में इसमें इसमें लोड में आई एल के बराबर फ्लो होती है तो कितने करंट हो गए आई एस आईजेड एंड आई एल तो अगर मुझे करंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या हो जाएगा से टोटल इनकमिंग करेंट देखिए एक आई एस इनकमिंग करंट है और दो करंट यानी कि आईजेड एंड आई एल दोनों आउट गोइंग है बाहर जा रही है तो आई एस इज इजकल टू कितना हो आई जेड प्लस आई इज इनकम टू बोथ आइड और अगर मुझे आईजेड की वैल्यू निकालनी है या आई एल की वैल्यू निकालनी है तो इससे इस निकल जाएगा तो आईजेड इज कल टू क्या हो जाएगा आई एस माइनस आई एल सिमिलरली अगर मुझे आई एल निकालना होगा तो आई एस माइनस आईजेड ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट यानी कि आई की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हमने निकाल यहाँ पे अगर आर है इसके अक्रॉस आर तो वी एल बाई आर हो जाएगा आई की वैल्यू या आई अगर निकालना है मुझे डायरेक्ट आई की वैल्यू तो वी एस बाई से निकाल सकते हैं ओके okay. नाउ अब इसमें क्या होता है कि अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज वी है और करंट आई जेड है तो मैक्सिमम पावर डिस्टिमेटेड कितना निकाला जा सकता है पावर डिस्ट्रीबूटेडिकल टू फिजिकल टू वी इंटू आई के थ्रू निकाल सकते हैं उट so, हाँ अब ये कितने टाइप हो सकता है तो बेसिकली ये तीन टाइप में हम लोग जनरली अपने ऐसा तो चार टाइप का होता है बट मेनली हम लोग तीन टाइप में पढ़ते हैं पहला फिक्स है बहुत फिक्स इज कल टू फिक्स वेरी नहीं कर रहा है इनपुट और लोड दोनों फिक्स है सेकेंड कंडीशन जब इनपुट इज वेरिएबल इनपुट वैरी कर रहा है एंड

Now, it is कि आप सबकी वैल्यूल की, की, RL, की, की, और की जेनर डाउट में ब्रेक डाउन हो चुका है या जेनर डाउट ऑन कंडीशन में है तो डायरेक्टली वीजेड टू वी एल हो जाता लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर यानी कि अगर किसी में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है मान लीजिए ये r1 है और ये r2 है दोनों के क्रॉस वोल्टेज v1 एंड v2 है और जहां पे टोटल वोल्टेज यहाँ पे v है इस तरीके से तो वोल्टेज अक्रॉस v1 निकालने के लिए यानी कि v1 वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे v1 इज टोटल वोल्टेज v किसके अक्रॉस है r1 के अक्रॉस तो r1 टोटल रेजिस्टेंस r1 r2 हम

बिकॉज हमें पता नहीं है कि फर्स्ट हमें चेक करना है कि जेनर डाउट ऑन है या ऑफ है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जेनर डाउट होगा जब वी की वैल्यू यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, यहां पे वोल्टेज आएगा पे ये जो वी है वो वीजेड से बड़ी होनी चाहिए तो सबसे पहले क्या करते हैं वी एल यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं वी एल की वैल्यू क्योंकि पैरल में है तो वी इज टू क्या हो जाएगा कि जिसके अक्रॉस हमें निकालना है वो रेसिस्टेंस आर एल इन टू टोटल इनपुट डिवाइड बाई आर एस प्लस आर एल आर एस मतलब वही ये रेजिस्टेंस रिपीट करें टोटल वोल्टेज इनटू टू रेसिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस तो ये वैल्यू हो गई वन पॉइंट टू किलो ओम इनपुट की वैल्यू सिक्सटीन वोल्ट ये वन किलो ओम और ये वन पॉइंट टू किलो ओम कितना आया पी L की वैल्यू यानी कि V की वैल्यू आ गई एट जबकि वीजेड क्या वोल्टेज कितना दिया हुआ है टेन वोल्ट यानी कि ये ऑन जो अभी क्या है जेनर इज इन ऑफ कंडीशन यानी कि इट इज नॉट कंडक्टिंग सो अगर ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट यानी कि जो वी एल की जो वैल्यू होगी वो 8.73 यानी कि वी के बराबर ही मिल जाएगी नाउ अब मुझे वी आर निकालना है वी आर का मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर या वी एस जो भी बोलो तो टोटल तो वोल्टेज अब इक्वेशन हमें पता है टोटल इनपुट इज टू इक्वेशन नंबर वन से आ जाते हैं यहाँ पे जो हमने इक्वेशन दिखाया था ये टोटल वोल्टल टू वी इन इज टू वी आर या वी एस प्लस या, या लिख देता हूं मैं वी आर प्लस वी एल या वी जेड अब यहाँ पे वी जेड तो नहीं है बिकॉज़ तो वी जेड ब्रेक डाउन नहीं हुआ है तो यहाँ पे होगा वी एल तो वी इन की वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटीन वोल्ट वी आर हमें निकालना है और वी एल की वैल्यू हो गई एट पॉइंट सेवन थ्री वोल्ट सो so, वे अगर सब कुछ दिया हुआ है तो यहां भी वोल्टेज लगा सकते हैं। कि Vr आप लगा सकते हैं कि आर एल यानी कि आर एस इंटू ये जो है ये वोल्टेज इंटू टोटल वोल्टेज इंटू सिक्सटीन डिवाइड बाई टोटल वन प्लस वन पॉइंट टू किलो तो यहां से भी आप वोल्टेज निकालोगे तो इतना ही आएगा ये निकाल लिया अब क्वेश्चन ये है अब आईजेड की वैल्यू क्या है क्योंकि ये ओपन हो चुका है यानी कि ये ऑन कंडीशन में नहीं है तो आई क्या हो जाएगा जीरो होगा तो पीजे हो तो की वैल्यूट इंटू आई यानी कि टेन इंटू जीरो बता जाएगा ना अब इसमें ये ए का पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट कहा जा रहा है कि इसी क्वेश्चन को अगर आर एल की वैल्यू थ्री किलो ओम हो जाए यानी कि जाएल जो है वन पॉइंट टू की जगह पे थ्री किलो ओम कर दे तो क्या होगा तो जब आर एल किलोम होगा तो फिर से चेक करें v तो की वैल्यू निकालते हैं यानी किस इंटू इनपुट वोल्टेज डिवाइडें आर तो लोड थ्री तो तो सॉरी फोर हो गया टोटल फोर इन टू तो फोर इंटू फोर आ गया और ये आ गया ट्वेल्व वोल्ट अब की वैल्यू कितनी थी टेन वोल्ट और वी की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेल्व वोल्ट इसका मतलब यह है कि V इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड मीन जेन एड ऑन कंडीशन में है और यह कंडक्ट कर रहा है तो जब ऑन कंडीशन में है ये, ये, तो आउटपुट मुझे VL कितने के बराबर मिलेगा 10 वोल्ट यानी कि भले V यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन अगर ब्रेक डाउन हो गया है यानी कि जेन एडउट ऑन में है तो आउटपुट कितना मिलेगा वी एल इज टू टेन वोल्ट और जब वी एल मिल गया तो अब हम निकाल लें वी की वैल्यू VR क्या निकालना है आई एल निकाल सकते हैं अब आई जेड निकालना है तो आई जेड निकालने के लिए मुझे आई एल और आई एस दोनों की वैल्यू चाहिए तो आई एल का फॉर्मूला क्या होगा वी एल बाई आर एल वी एल हमें पता है कि टेन वोल्ट है आर एल दिया हुआ थ्री ओम तो हो गया थ्री पॉइंट थ्री मिलियन अब आर ए आई आर या आई एस जिसको बोलते हैं तो वी एस बाई आर एस यानी कि वी आर बाई आर वी आर की वैल्यू अभी निकाला हमने सिक्स वोल्ट और आर कितना दिया हुआ है ये ये देखिए पे है इसके वोल्टेज वोल्ट और ये वन किलो ओम तो टोटल तो जो वोल्टेज आएगा सिक्स बाई वन किलोम यानी कि सिक्स मिलियन पी ये अब मुझे क्या चाहिए आई जेड तो आई जेड इज कल टू अब ये क्वेश्चन लगा लीजिए आई एस टोटल जो इनकमिंग करंट आई एस इज कल टू आई आर प्लस I के बराबर है, सो so, I Z is equal कितना हो जाएगा? I Z is equal to I S minus I तो so, I S की वैल्यू ऑलरेडी यानी कि I S का मतलब मैं यहाँ पे I R ये लिख रहा हूँ, सॉरी, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे I I S is equal to I Z plus I लिख रहा है, I L. So I S minus I L. So I L का मतलब लोड जो लोड में करंट है, तो so, I S is equal ई एल प्लस आई जेड या आई जेड प्लस आई एल अब यहां पे देखिए आई जेड निकालना है मुझे आई एस यानी कि आई आर की, की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग इसको आई एस कहिए या आई आर कहिए दोनों बात बराबर है ओके okay? तो यानी यानी कि कितना आ गया टू पॉइंट सिक्स सेवन मिलियमपियर तो जब टू पॉइंट सिक्स सेवन मिलीएमपियर इसकी वैल्यू आ गई आई जेड की तो हमें क्या निकालना पीजेड निकालना है तो इज इक्वल टू कितना हो गया VZ into IZ. VZ की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट Iz की वैल्यू 2.67 कितना आ गया? टू पॉइंट और हमें पता है कि ये जो PZM दिया हुआ है, 30 मिली वोट उससे कम है यानी कि हमारा क्वेश्चन आंसर सही है तो दिस इज द क्वेश्चन जहां पे कि दोनों फिक्स था इनपुट भी फिक्स था और लोड भी फिक्स था अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पे कि एक वेरिएबल होगा यानी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से फॉर नेटवर्क डिटरमाइन द रेंज ऑफ यानी कि आरएल की रेंज बतानी है आपको रेंज का का मतलब वेरिएबल है एंड आई एल यानी आई एल एंड आर एल दोनों का आपको रेंज बताना है दैट विल रिजल्ट इन वी आर एल यानी कि इसके वोल्टेज अक्रॉस लोड जो है वो टेल वोल्ट अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि वी आर एल की वैल्यू यानी कि वी एल की वैल्यू टेन है यानी कि फिक्स है इसका मतलब ये ऑन है ब्रेक डाउन हो चुका है ओके डिटरमाइन द मैक्सिमम वॉट इज रेटिंग ऑफ द डायोड यानी कि डायोड की मैक्सिमम वॉट इज रेटिंग आपको बतानी है अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसको इसको वोटेज uh, रेटिंग का मतलब ये हो गया कि इनपुट जो है ये कहां से कहां तक वैरी कि इनपुट का रेंज क्या है इनपुट कहां से कहां तक वैरी करेगा तो अस सॉल्व दिस क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे पहले एक काम करते हैं कि गिवन लिखते हैं क्या क्या गिवन है गिवन में जो आर एस की वैल्यू है यहाँ पे आर एस इज कल टू इसको आर एस वन किलोम दिया हुआ है ओके okay? देन uh, और भी कुछ गिवन है Vz कि जो Vz जेड इज VL, because ये बिकॉज है इस वजह से वैल्यू हो गई टेन गोल्ड नाउ की मैक्सिमम जो वैल्यू है, है वो थर्टी टू मिलियम पियर है और अगर Iz मिनिमम नहीं दिया है तो Iz मिनिमम जनरली कितना होता है Iz जेड मिनिमम इजकल टू जीरो मिलियम पियर ओके नाउ इनपुट वैल्यू वी इनपुट इज टू फिफ्टी वोल्ट इज की वैल्यू सो नाउ वट वी हैव टू डू वी हैव टू वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस वन यानी कि वी एल का जो रेंज होगा वो क्या होगा और ये कहां से कहां तक वैली करेगा ताकि इसकी रेटिंग हमें पता चल पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अभी हमारे पास मेन दो इक्वेश पहला टोटल इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ये टोटल इनपुट वोल्टेज इक्वल टू VS प्लस VL ओके टोटल इनपुट वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ है टोटल इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट इक्वेशन नंबर वन मान ले इसको एंड टोटल इनपुट वोल्टेज अगर मेरा 50 वोल्ट है और VS की वैल्यू यानी कि जो मेरा आ, यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मुझे नहीं पता निकालना है और प्लस वी एल यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज वोल्ट है तो वी एस की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टी वोल्ट सॉरी फिफ्टी माइनस टेन इज टू फोर्टी वोल्ट ठीक है तो अब अगर वी एस की वैल्यू फोर्टी वोल्ट आ गई तो क्या मैं यहां से आई एस निकाल सक सकता हूं आई एस इजकल टू वी एस बाईस बाई आर एस वी एस बाई आर एस एस की वैल्यू फोर्टी आर एस की वैल्यू वन के तो कितना आ गया फोर्टी मिली okay. so so भी निकल गया आई एस भी निकल गया ना सेकेंड इक्वेशन इज एज वी नो दैट की आईएस टोटल इनपुट जो इनकमिंग करेंट है हमारे पास आई एस जो है वो किसके बराबर है आई आई एस इजकल टू ये आई है यहां पे आई एस सो टोटल आई एस इजकल टू आई जेड प्लस आई एल के बराबर आई जेड प्लस आई एल के बराबर ओके इक्वेशन नंबर टू सिंस आई आई एस वी नो आई जेड की भी वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू तो अब एक सवाल यह है कि आई एल की वैल्यू हमें निकालनी है कि आई एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी

अच्छा अब यहां पे एक चीज आपको बताना है कि अगर आ, आई है अब सवाल यह है कि क्या अगर मैं आई को आई को यहां पे फिक्स कर दिया निकालना है मुझे आई निकालना है तो आई एस माइनस आई जेड इज इक्वल टू क्या आई होगा यानी कि आई एल इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो गई 40 मिलियन पियर और माइनस आई जेड अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आई को रेंज निकालना है कि आई की कम से कम और ज्यादा ज्यादा वैल्यू क्या होगी तो क्या मुझे अगर देखिए फोर्टी में से सप्ट्रेड करना यानी कोई मान लो वैल्यू है फोर्टी तो फोर्टीन में से अगर टेन कम सप्रेट करूंगा तो कितना आएगा थर्टी और फोर्टी में से अगर ट्वेंटी सपरेट करूंगा तो कितना आएगा ट्वेंटी तो अगर मैं कम सप्रेड कर रहा हूं तो ज्यादा आएगी और ज्यादा सपरेट करूंगा तो कम आएगा वैल्यू

8 मिली एम्पियर जो कि आई की मिनिमम वैल्यू होगी जो कि आपने मैक्सिमम सब किया है ठीक है तो आई का एक वैल्यू ये हो गया दूसरा तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो अगर आई यानी कि इसमें से 40 मिली एम्पियर में से आईजे की मिनिमम वैल्यू यानी कि जीरो आईजे की मिनिमम अगर सब करते हैं तो कितना आ जाएगा आई एल मिली एम्पियर विच इज मैक्सिमम वैल्यू तो आई का रेंज पता चल गया आपका ये आठ मिलियनपियर से लेके फोर्टी मिली पियर तक वैरी कर रहा है सिंपल सिर्फ दो इक्वेशन यूज किया हमने एक इनपुट वी एस प्लस वी एल का और दूसरा आई एस इजकल टू आई एस प्लस आई एल का ना अब मुझे क्या निकालना है आर एल तो भाई आपके पास वीएल भी है और आई एल भी है तो आर एल निकल जाएगा आर एल इजकल टू वी एल बाई आई एल ओके okay. सो so की वैल्यू कितनी है फिक्स है टेन वोल्ट बट आई एल वेरी कर रहा है यानी yani कि आई एल अगर एट से डिवाइड करूंगा मिली डिवाइड तो क्या आना चाहिए आई एल की वैल्यू चेक इट आउट सो आई एल अगर मैं टेन में से वी uh, एल की वैल्यू टेन और टेन में से अगर मैं एट से डिवाइड करूंगा टेन डिवाइड बाई एट तो गेटिंग वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव किलो ओम बिकॉज़ यहाँ पे मिली एंपियर है और अगर यही आरएल को अगर मैं 40 मिली एंप्स डिवाइड करूं यानी कि 10 डिवाइड बाई 40 मिली एंपियर यानी कि 10 डिवाइड बाई 40 तो हमें कितना आ गया इज इक्वल टू 0.25 किलो ओम इट मींस दैट ये हो गया आपका मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम सो so, तो आरएल की जो रेंज है लेके वन पॉइंट टू फाइव किलो ओम तक और जो आई एल वेरी करेगा वो एट से एट मिलियनपियर से लेके फोर्टी मिलियन पियर से तक दिस इज द रेंज ऑफ योर लोड रेजिस्टेंस आर एल एंड आई एल और अगर आपको पावर निकालना है यानी कि पावर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो पावर की पीजेड एम इज वीड पावर की पावर रेटिंग है ना तो टेन इंटू थर्टी टू अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा थ्री ट्वेंटी मिली और अगर आपका ये मैक्सिमम इसकी रेटिंग हो जाएगी मैक्सिमम रेटिंग वोट इज सो दिस इज द ऑल यानी कि हमने क्या किया मात्र दो इक्वेशन है एक इक्वेशन वी इनपुट एंड वोल्टेज का केवल इक्वेशन और दूसरा करंट का केसीएल इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन से पूरा आपने ये सॉल्व कर लिया थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है देखिए यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी सॉल्व कर रखा है और इसका भी यही आंसर्स आप आपको मिलेगा 1.25 से लेके 0.5 ओके नाउ अब आपका दूसरे टाइप का सवाल यह है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ VI यानी कि अब इनपुट का रेंज आपको बताना है यानी कि यहाँ पे इनपुट वेरिएबल हो गया इनपुट इज वेरिंग ओके एंड दैट विल मेंटेन जेनर डायोड इन ऑन स्टेट इस जेनर डायोड को जो फिगर में दिया हुआ है उसको ऑन स्टेट में रखें इसका मतलब क्या हुआ ऑन स्टेट में रखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे VL की वैल्यू जो है वो VZ के बराबर आएगी यानी कि जेनर डायोड जैसा बिहेव करेगा सो okay. जस्ट so uh, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहां भी तो यहां पे भी गिवन लिखे सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन में तो गिवन क्या क्या है यहाँ आर एस की वैल्यू दी हुई है 220 ओम 220 ओम इसके बाद आरएल की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2 किलो ओम एंड व्हाट अबाउट वीजेड वैल्यू so तो दी हुई है जो की आईजेड की मैक्सिमम वैल्यू सिक्सटी मिलियमपियर है सो ऑटोमेटिकली आई जेड मिनिमम नहीं दिया हुआ है तो आई जेड मिनिमम वैल्यू कितना होगा जीरो मिलियमपियर Everything is identical. यहाँ भी उसी तरीके तरीके से हम हम लोग लोग करते हैं कि हम आ, किस तरीके, क्या आउट इस कर सकते हैं सबसे पहले चेक करें, तो मेरे पास वी एल एंड आई आर एल दोनों की वन है तो क्या मैं यहाँ से आई एल निकाल सकता हूँ तो आई एल इज टू वी एल 20 डिवाइड बाई 1.2 किलो ओम, तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 1.2? लेट अस सी 20 डिवाइड बाय 1.2 इज इक्वल टू 24 फोर ट्वेंटी 24 मिली एंपियर ओके आईएल की वैल्यू लेट्स चेक सॉरी मैंने कुछ कवर किया हुआ है

IZ plus IL के IZ plus IL के बराबर बराबर होगी। होगी। और हमें पता है कि आई एल की मैक्सिमम मतलब जो वैल्यू हमारी फिक्स मिल चुकी है यानी कि आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन क्वेश्चन नंबर इसको वन मान लीजिए तो अब छोटा सा सवाल ये फिक्स है तो अगर मैं आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं यानी कि IS को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या आईजेड इंक्रीज होगी क्योंकि ये फिक्स है और अगर आईएस को डिक्रीज करूंगा तो आईजेड भी डिक्रीज होगी तो यानी कि आईएस की अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी आईएस कितना मैक्सिमम होगा तो क्या हो, करना होगा मुझे आईजेड की यहां पे पुट करनी होगी मैक्सिमम वैल्यू प्लस सिक्सटीन क्लियर है तो आईजेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी हुई है सो आई एस की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो गया आई जेड एम की वैल्यू दी हुई सेवन मिलियमपीय है ना हा अब अगर मुझे यही इसी इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन वन आई एस की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पे आई जेड को मिनिमम रखना पड़ेगा यानी कि आई जेड मिनिमम

VS का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकता हूं बिल्कुल बिकॉज मैक्सिम इज इक्वल टू यहां से इज आर एस तो फिक्स है तो आई एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू ट्वेंटी ओम है और ये कितने में है ये मिली में है तो इसको मैं कर दू टेन टू दावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई दिस सेवेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स इन टू 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 जीरो पावर टेन टू दावर माइनस थ्री तो दैट वी आर गेटिंग इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट एट सेवन बी एस मैक्सिमम और अगर मैं इसी तरीके से वी एस मिनिमम यानी कि कम वैल्यू निकालू मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा मिनिमम का मतलब कम तो अब एक और मेरे पास आई की वैल्यू है तो आई एस मिनिमम इन टू आर एस क्योंकि आई इनटू आर तो आई एस मिनिमम की वैल्यू है मेरे पास सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन फ्रॉम हियर एंड आर एस की वैल्यू तो फिक्स है टू ट्वेंटी ओम इन टू मिलियम पियर के लिए टेन टू माइनस थ्री तो अगेन वी मल्टीप्लाई सिक्सटीन पॉइंट सिक्स इंटू टू ट्वेंटी इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री नाउ हमने यहां इक्वेशन लगा दिया अब हमारे पास एक केवल इक्वेशन है इनपुट v v s v अब यहां पे आप देख सकते हो जस्ट अ सेकंड आई हैव टू ओके सो यहां पे हमें क्या करना होगा कि इसकी वैल्यू अब अब ये पूरे क्वेश्चन में सबकी वैल्यू हमें पता है यानी कि v इनपुट हमें निकालना है v s पता है v l भी पता है तो v इनपुट इज इक्वल टू v s की वैल्यू दो है v x max और v in min है ना ये दो वैल्यू है और वी ए, वी इन इज इक्वल टू वी एस प्लस वी एल की वैल्यू टेन वोल्ट फिक्स है तो अब यहां भी मुझे रेंज निकालना है यानी कि मिनिमम अगर मुझे वी इन मिनिमम निकालना होगा कम से कम वैल्यू तो क्या करना करना होगा मुझे यहां भी वी एस मिनिमम रखना पड़ेगा यानी कि वी एस मिनिमम प्लस टेन तो मिनिमम कितना आया है 3.67 10 13.67 और अगर मुझे V in की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम तो क्या करना होगा मुझे V S मैक्सिमम प्लस 10 यानी कि जो लोड लोड वोल्टेज है तो मैक्सिमम कितना है 16.87 प्लस 10 यानी कितना हो गया 26 26.87 वोल्ट यानी कि अगर मैं V इनपुट को 13.67 से लेके 26.87 तक वैरी करूं तो तो भी मुझे कांस्टेंट आउटपुट जो है वो कितना के बराबर मिलेगा ये जो आपका इनपुट इसका वोल्टेज है उतना के बराबर मिलेगा व्हाट माय पॉइंट सो दिस इज ऑल अबाउट सॉरी आई हैव डन ही अ मिस्टेक यहां पे 10 नहीं 20 वोल्ट है अकॉर्डिंगली वैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा प्लस uh, टेन कर दीजिए यहाँ पे तो थर्टी सिक्स इट वाज बिकॉज आई कंसीडर या क्योंकि वी एल की वैल्यू टेन नहीं ट्वेंटी है इसीलिए यहाँ पे ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन से लेके ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन से लेके और ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट सेवन तक अगर वैरी करेगा तो जाके मुझे कॉन्स्टेंट आउटपुट ट्वेंटी वोल्ट मिलेगा